नमस्कार, कैसे हो? अल्फा विद्या संकुल तालाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गत इकाई आराधना में आपने बहुत ठीक ढंग से आपने पढ़ा होगा, आपको सही तरह से वह पूरा ज्ञान इसमें आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने इकाई दूसरी न्याय मंत्री जो उसके लेखक हैं वह श्री सुदर्शन हैं। कौन से हैं उनके जो लेखक हैं? सुदर्शन हैं। और उसका जो साहित्य प्रकार है ना दोस्तों, उसका साहित्य प्रकार कौन सा है तो के कहानी। साहित्य प्रकार कहानी। न्याय मंत्री श्री सुदर्शन, साहित्य प्रकार कहानी। विद्यार्थी मित्रों, उसका जो जन्म है वह आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें गलत ढंग से इसमें प्रिंट हुई है। उसका जो जन्म है वह 1896 और उसकी जो निधन है वह सन 1967 में हुई थी। श्री सुदर्शन है, उसका जो मूल नाम है ना, आपको मालूम है उसका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उसका मूल नाम क्या है तो के बद्रीनाथ शर्मा। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था तो के सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपको मालूम है हिंदी साहित्य जगत के अंदर कहानीकारों में जो प्रेमचंद के बाद जो लिया जाता है वह श्री सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। आपको बता दूं कि वह जो सुदर्शन जी है वह प्रारंभ में उर्दू में लिखना जो कहानियां है वह लिखने का प्रयत्न करते थे। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में जो उसकी कहानी है वह कहानी लिखने का प्रारंभ किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में प्रथम कहानी उसकी प्रकाशित हुई थी। सरस्वती नामक पत्रिका में उसकी जो प्रथम जो कहानी है वह कहानी प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, आपके मन में एक और भी प्रश्न आएगा कि कहानी है तो कहानी के अंदर उसके अंदर कहानी के दो प्रकार पड़ते हैं। क्या क्या प्रकार पड़ते हैं तो कहानी के दो प्रकार पड़ते हैं, एक पुरानी हिंदी कहानी और दूसरी आधुनिक कहानी। तो पुरानी हिंदी कहानी है तो उसके अंदर कौन कौन सा भाग आते हैं तो कि पुरानी हिंदी कहानी के अंतर्गत उसके चार भाग आते हैं, वृहत कथाकार, कथा प्रेम चरित जागर, हितोपदेश और पंचतंत्र। और आधुनिक हिंदी में क्या आता है तो कि आधुनिक हिंदी साहित्य की जो नींव है वो 1900 के बाद शुरू होती है। उसके अंदर जो आधुनिक कहानीकारों नए जो पीढ़ियों में जो कहानीकार है जो हमारे सामने आए हैं उसने जो अपने ढंग से कहानी लिखने की शुरुआत की है वो 1900 के बाद। उसमें हम 7 विभाग में हम बांट सकते हैं। उसमें कथानक है, चरित्र चित्रण है, देश का वातावरण है,
भाषा शैली है, शीर्षक है, उद्देश्य है वगैरह वगैरह वगैरह। आ उसके क्या हुए तो कि यह उसके पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी कहानी में आपको आपके मालूम हुए कि आधुनिक कहानी में क्या आता है और जो पुरानी कहानी है वह पुरानी कहानी में क्या आता है। ठीक है, अब आपको जो मुख्य जो आपकी आपकी इकाई है वह क्या तो कि न्याय मंत्री। न्याय मंत्री तो कि उसका जो शीर्षक है न्याय मंत्री, तो कि न्याय मंत्री किसे कहते हैं? अपने ढंग से आप सोचिए जरा, न्याय मंत्री यानी कि सच्चा न्याय करना, न्याय किसे कहते हैं? आपने शायद पांचवी छठी या सातवीं प्राइमरी में पढ़ा होगा कि न्याय किसे कहते हैं। उसमें दो मित्रों की कहानी भी आती है। एक जो मित्र है वो हज पढ़ने जाता है और उसकी जो पूजी है वो अपने मित्र के यहाँ छोड़ जाता है और बाद में वह जो उसकी संपत्ति है वह संपत्ति हड़प लेता है और बाद में वह फिर जो पूरा पूरे पूरी जो नाटकीय ढंग से उसने जो क्या किया था वह सबके सामने जो न्याय है वह न्याय राजा के दरबार में हो जाता है और वहाँ उसकी परख होती है और वह सच्चा न्याय कैसे कहते हैं वहाँ उसको प्रूफ हो जाता है। खैर छोड़िए, बाद में हम न्याय मंत्री हैं तो न्याय मंत्री के जो लेखक है वह लेखक का परिचय है, वह लेखक का परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेखक का परिचय हम इस प्रकार करेंगे तो कि सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। क्या नाम था? तो कि मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था, याद रखिए दोस्तों। क्या नाम था? तो कि बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म सन 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बराबर, सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था, बचपन से ही नाना हता ने त्यारथी ज एवो जे वार्ताओ छे ए वार्ताओ लखवानु शुरू करेलो हतो। कोण ये? तो के सुदर्शन जी ए। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना मैं लिख दूं आपको तो आपको मालूम पड़ेगा। तो पुष्पलता, पुष्पलता, सुप्रभात, पनघट, नगीना, ये क्या है? कहानी संग्रह है। किनके? सुदर्शन जी के। याद रखिए कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना ये सब सुदर्शन जी के क्या है? तो कि यह उसका कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है, इन्हें मात्र ने मात्र एकज मात्र उपन्यास लिखो हो तो याद रख जो याद रख जो एकमात्र मात्र उपन्यास लिखा था वह कौन सा था? वह भागवंती। क्या? तो कि भागवंती, भागवंती एकमात्र उपन्यास। क्या उपन्यास? उपन्यास एकमात्र क्या लिखा था? तो के एकमात्र उपन्यास लिखा था भागवंती। अब
विद्यार्थी मित्रों, अब हम जो कहानी है उस कहानी का थोड़ा सा बुरा हमको आपके सामने पेश करूंगा कि इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, कि इस कहानी के अंदर आता क्या है। तो सर्वप्रथम एक संध्या का समय होता है, संध्या का समय होता है और एक ब्राह्मण के यहाँ एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति वहाँ उसका दरवाजा खटखटाता है। और वह ब्राह्मण कौन है? तो कहे वह ब्राह्मण का नाम शिशुपाल है। वह दरवाजा खटखटाता है और वह कहता है कि मुझे यहाँ रात काटने को जगह मिलेगी? तो जो शिशुपाल ब्राह्मण के यह बताता है कि अतिथियों का सत्कार करना यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहां दोनों में रात्रि में दोनों के बीच उसके जो जो नगर है उसके बारे में चर्चा होती है कि आजकल कोई हमारे जो नगर है ना, वो हमारे नगर में जो स्थिति है ना, वो अच्छी नहीं है। दोनों के बीच चर्चा होती है। बाद में जो शिशुपाल है ना, वो जो अतिथि आया होता है ना, उसको कहते हैं कि शिशुपाल अतिथि को कहते हैं कि एक बार मुझे मौका मिले ना कि मुझे ये सच्चा न्याय किसे कहते हैं, न्याय किने न्याय न्याय किसको कहा जाता है, न्याय किसे कहते हैं, तो मैं बतलाऊंगा। बाद में थोड़ी सी बहुत बात होती है तो जो अतिथि होते हैं वो कहते हैं कि आपको अवसर चाहिए, ठीक है। बाद में सुबह होती है, वह चला जाता है। थोड़े दिन के बाद राजा जी के जो सैनिक होते हैं वह उसको लेने के लिए आते हैं कि आपको राजा जी सम्राट अशोक है, उसने आपको बुलाया है। तो उसके मन में एक शंका आती है कि वह जो मेरे यहाँ अतिथि आया था ना, उसने राजा के कान ढिंढोरे होंगे। क्या क्या हो उसने कहा होगा कि ऐसी हमारे नगर की स्थिति ऐसी है, वैसी है, ऐसा कुछ आदि। बाद में वहाँ जाते हैं तो जो शिशुपाल है ना, उसके होश उड़ जाते हैं। वह अतिथि और कोई नहीं, राजा स्वयं सम्राट अशोक ही थे, ठीक है। बाद में उसने राजा जो सम्राट अशोक है उसने पूछा और उसने कहा कि क्या ब्राह्मण देवता आपको मौका चाहिए? पहले तो खिसकिया चाहे, नहीं नहीं मेरे को नहीं। बाद में बोला हाँ दे दो मेरे को। और यह मौका उसने पा लिया और जो राज मुद्रा होती है ना उसको पहना दी। आज से आप राज्य के न्याय मंत्री हो गए। सारी तरह से नगर में सब लोग अपने दरवाजे खुले छोड़कर जा रहे थे, अच्छी व्यवस्था हो चुकी थी। एक दिन एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। नगर में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार ये हत्या कैसे हुई। शिशुपाल सहम गए कि आखिरकार ये कैसे हुआ। बाद में उसकी रात की नींद होश सब उठ गया कि मुझे यह हर हालत में मेरे को क्या करना है, तो कि हर हालत में मुझे उसको यहाँ, मुझे यह अपराधी है उसको निकालना है, ढूंढ निकालना है। आखिरकार उसने उसका जो काम है ना वो निकाल कर दिया। क्या कर दिया? तो कि कर दिया।
अपराधी और कोई नहीं, राजा स्वयं सम्राट अशोक ही थे। उन्होंने उसके जो सिपाही थे उसको इशारा किया, धनवीर इसको गिरफ्तार कर लो। पहले तो राजा सहम गए, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मैं थोड़े ही अपराधी हूं। बाद में वह उसका सर झुका लिए और वह कहते हैं कि वह जो सिपाही था ना, वह बड़ा अविवेकी था, बोलने में उसकी जो रहन सहन है वह ठीक नहीं थी। उसका भी एक उपाय है, राजा भगवान का दूसरा स्वरूप होता है, राजा भगवान का दूसरा स्वरूप होता है, राजा भगवान का दूसरा स्वरूप होता है और उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजा की जो सोने की मूर्ति है, वो सोने की मूर्ति पर लाके उसको फांसी चढ़ा दी, फांसी लटका दी जाती है। और राजा की जो परीक्षा होती है ना, वो उसकी परीक्षा में वह सफल हो जाते हैं। इस कहानी का यही सारांश है। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम आएंगे तो हम जो कहानी है वह कहानी पढ़ने का काम करेंगे। जो इकाई दूसरी है न्याय मंत्री सुदर्शन जी की साहित्य का कहानी, बराबर वह हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कितना मिनट नोचू?